वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम आइटम कॉस्ट चेकिंग करेंगे। मैंने आपको जॉब कॉस्टिंग यूज करना बताया, आज हम स्टॉक वाइज कैसे ट्रैकिंग करते हैं, कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं आइटम वाइज सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको फीचर इनेबल करना है F11 में। F11 में ना मैंने यहाँ पे कोई भी और फीचर इनेबल नहीं रखा, सिर्फ एक ही फीचर मेरा इनेबल है, इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग। इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग मैंने इनेबल किया हुआ है। इसको यस करने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स की हुई है ऑलरेडी। फर्स्ट मैंने एक ऑर्डर रिसीव किया है पार्टी बी से, तो मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे लेजर्स बनाए हैं, कैसे कैसे ये ट्रांजेक्शन करी है, इसमें कैसे मैंने कॉस्ट ट्रैकिंग निकाली है। तो यहाँ पर पार्टी मैंने क्रिएट करी है पार्टी बी के नेम से। ये जो मैंने पार्टी क्रिएट करी है, सिंपल क्रिएट किया है इसको, मैंने सिंपल क्रिएट किया है और इसको एक्सेप्ट किए। ये ऑर्डर मैंने रिसीव किया पार्टी बी से। यहाँ पर मैंने ऑर्डर नंबर ले लिया 001। उसके बाद यहाँ पे सेल्स लेजर में मेरे पास मैंने एक लेजर क्रिएट किया हुआ है सेल्स ऑफ मूर्ति। कंट्रोल एंटर करके आप ये भी देख सकते हैं, इसमें मैंने ना ये वाला फीचर इनेबल किया हुआ है, अलाउ कॉस्ट एलोकेशन। इस ऑप्शन को यस किया हुआ है। अगर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होता तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई कॉस्ट ट्रैकिंग ऑफ स्टॉक आइटम्स फॉर लेजर्स, इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अगर मैं पर आइटम कॉस्टिंग निकालना चाहती हूँ कि जो मैं आइटम बना रही हूँ उसमें, मतलब जो आइटम मैं बना रही हूँ या किसी को ऑर्डर पे मैं आगे भेज रही हूँ, तो मेरे को वो पूरा आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करने में कितनी कॉस्टिंग आती है। ओके, तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे सपोज गणेश मूर्ति का ऑर्डर आया है मेरे पास, तो मैंने गणेश मूर्ति आइटम एक क्रिएट की हुई है। इसको मैंने यूनिट दे रखी है नंबर्स, एंड इसमें फीचर को इनेबल किया हुआ है इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग। यहाँ पे इनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग मैंने ले रखे, एंटर किया और इसको किया एंटर। यहाँ पे आप देखेंगे डेट मैंने दे दिया कि 10 डेज के बाद मैं ये दे दूंगी ऑर्डर। उसके बाद क्वांटिटी 100 है, 2000 रुपीज रेट लिया है, 2 लाख रुपीज अमाउंट है। कॉस्ट ट्रैकिंग 2, यहाँ पे मैंने कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर क्रिएट किया है 100 गणेश मूर्ति सेल ऑर्डर टू गणेश मूर्ति पार्टी बी। पार्टी बी से मेरे को ये ऑर्डर रिसीव हुआ है। अगर आप यहाँ पे न्यू भी क्रिएट करना चाहते हैं कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर, तो आप न्यू नंबर से भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मेरा तो अभी ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर आप न्यू क्रिएट कर रहे होंगे तो आपके पास न्यू नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो कॉस्ट चेकिंग लेना बहुत जरूरी है हमेशा, जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट है। मेरा भी गणेश मूर्ति फाइनल प्रोडक्ट है जिसका मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है पार्टी से, तो इसकी तो कॉस्ट चेकिंग करनी है मुझे, इसी आइटम की तो कॉस्ट ट्रैक करनी है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट चेकिंग नंबर पिक कर लेंगे एंड उसके बाद इसको कर देंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अब एक चीज आप और देखिए कि मैंने गणेश मूर्ति जो आइटम है उस पर कुछ सेटिंग कर रखी है, वो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। आप भी जब गणेश मूर्ति के आइटम क्रिएट करेंगे तो आपको उसमें बॉम सेट करना पड़ेगा, BOM जो हम सेट करते हैं, क्योंकि ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, इसको मैं मैन्युफैक्चर भी करूंगी। ओके, तो मैंने गणेश मूर्ति के लिए जो यहाँ पर सेटिंग करी है, मैंने इस ऑप्शन को इनेबल करा है ऑल्टर कॉम्पोनेंट्स BOM बिल ऑफ मटेरियल। अगर आपके पास ये भी ऑप्शन नहीं आता तो आप F12 प्रेस करके यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं ऑप्शन को, ये वाला प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे जब आप यस करेंगे तो मैंने यहाँ पे नेम ऑफ BOM, दो मैंने BOM बनाए हैं गणेश मूर्ति, एक तो मिट्टी की बनेगी और एक प्लास्टर की बनेगी, तो मैंने दो टाइप के BOM सेट करे कि अगर मिट्टी की बनाएंगे तो कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होगा और प्लास्टर की बनाएंगे तो कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ओके, तो मैंने मिट्टी की ली एंड यहाँ पर देखिए मैंने आइटम यूज करी है कि मिट्टी आइटम यूज होगी एज अ कॉम्पोनेंट यूज होगी, कितनी यूज होगी मैंने वो दे रखी है, कलर्स ले रखे हैं एज अ कॉम्पोनेंट यूज होगा, वेस्ट क्ले स्क्रैप कितना जाएगा, ये जो क्ले होगा वेस्ट 0.20 टोटल जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी इतनी कॉस्टिंग का इतना परसेंट जो है वो यूज होगा। देखिए गनोबी जो है वो छोटे गणेश जी जो है वो हम लेंगे, तो वो भी बाय प्रोडक्ट हम लेंगे इसमें, और जो टोटल यहाँ पे इसकी क्वांटिटी है उसका 2% 5% जो है वो यूज होगा। देखिए ओके, तो ये मैंने यहाँ पे BOM सेट किया हुआ है गणेश मूर्ति के लिए।
और जो मिट्टी के लिए हम मतलब मिट्टी की बनाएंगे, तो इसलिए मैंने बीओएम का नेम भी मिट्टी रखा है। उसके बाद प्लास्टर की जो बनाएंगे उसके लिए हमारा प्लास्टर यूज होगा एज अ कॉम्पोनेंट और कलर्स यूज होंगे एज अ कॉम्पोनेंट। जस्ट मैंने इसमें दो ही ले रखे। ओके, अगर आपके पास ना यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन ऐसे हैं जो नहीं आते हैं तो आप साइट से F12 से कॉन्फिगर कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आता है डिफाइन टाइप ऑफ कॉम्पोनेंट फॉर बीओएम, आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आपको कॉम्पोनेंट टाइप्स जो है वो शो हो जाएंगे। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे उस आइटम के लिए बीओएम को सेट करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सारा आपको सेट कर लेना है जब आप आइटम क्रिएट कर रहे होंगे गणेश मूर्ति की। ओके, अब क्या करना है आपको, अब मेरे पास अगर रॉ मटेरियल होगा तभी तो मैं इसको यूज कर पाऊंगी, मतलब मेरे पास ये सारी आइटम्स होंगी तभी तो मैं इसको कंज्यूम करवा पाऊंगी। तो मैंने क्या करा है ना, मैंने इस आइटम को परचेज भी करा है। ओके, मैंने ये सारा रॉ मटेरियल परचेज भी किया है, नॉर्मल मैंने कैश परचेज कर रखा है। आपने जैसे भी परचेज किया होगा आप कर सकते हैं। ये देखिए ये सारी जो आइटम्स हैं मैंने ये सारी परचेज कर रखे, जो भी रॉ मटेरियल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ये सारा एक रॉ आइटम है जो मैंने परचेज की हुई है मिट्टी की और प्लास्टर की गणेश मूर्ति बनाने के लिए। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने एंट्री करी है गणेश मूर्ति की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल में। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल टैब 7 से हमारा स्टॉक जर्नल आ जाता है एंड यहाँ पे ना हम मोड चेंज कर लेते हैं। जैसे हम मोड चेंज करते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। जैसे मैं यहाँ पे यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल करूंगी यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का नेम लूंगी कि मेरे को कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना है, वो मेरा प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी, टोटल कितना आपको बनाना है। जैसे मेरे पास तो 100 थी तो मैंने 100 ही बना दी। अगर आपको ज्यादा बनानी है आप ज्यादा भी बना सकते हैं, मेरे पास 100 का ऑर्डर आया था ना तो मैंने 100 गणेश मूर्ति ही यहाँ पर मैन्युफैक्चर करी है। एंड यहाँ पे जो कॉस्ट एलोकेशन है वो कितना रहेगा, 93% रहेगा क्योंकि स्क्रैप भी जाएगा, 3% हमारी टोटल जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने दिया हुआ है स्क्रैप एंड बाय प्रोडक्ट, तो उसका भी 3% लेस होगा। तो यहाँ पर आपको 93% शो कर रहा है, टोटल 7% जो है वो स्क्रैप में जा रहा है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर है वो भी आपको शो कर रहा है। देखिए कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे आपको शो कर रहा है और ये शो होना जरूरी है यहाँ पर, तभी कॉस्ट ट्रैकिंग हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। ओके, एंड मैंने यहाँ पे दे रखा है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो मेरे कौन कौन से कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज हुए हैं, कलर्स कितनी कितनी क्वांटिटी में यूज हुए हैं, एंड फिर यहाँ पे वेस्ट क्ले कितना हुआ, गनोबे में कितना परसेंट हुआ, देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ओके, एंड उसके बाद ये सारी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद अब कुछ एडिशनल कॉस्ट भी आती है, तो मैंने यहाँ पे दो आइटम्स ऐड करी हुई हैं, एक लेबर चार्जेस और एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये मैंने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही ऐड करवा दी। तो आप देखेंगे यहाँ पे लेबर चार्जेस का जो लेजर क्रिएट किया हुआ है इसमें मैंने अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले रखे हैं, एंड यहाँ पे हम इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, अलाउ कॉस्ट एलोकेशन, इसको यस कर देंगे एंड एक्सेप्ट कर देंगे। 50,000 लिए हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसके लिए भी मैंने अलाउ कॉस्ट एलोकेशन को यस किया हुआ है। ओके, 2,000 रुपीज। तो ये सारी कॉस्टिंग मिलने के बाद मेरा जो पर आइटम कॉस्टिंग निकलती है वो निकलती है 664.95 रुपीज ईच गणेश मूर्ति। एक आइटम का जो प्राइस है वो ये हमारा निकल चुका है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो ये हमारा हो गया स्टॉक जर्नल, हमने जो आइटम है वो हमने बना ली। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तो मैंने इसको सेल भी कर दिया है, तो स्टॉक समरी में मेरे पास से जो क्रिएटेड आइटम थी वो मेरी चली गई है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे डे बुक पे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, अब देखिए मेरे पास ये जो मैंने पूरा मैन्युफैक्चरिंग किया इसमें मेरी और भी एडिशनल कॉस्ट भी आ सकती थी, तो मैंने क्या किया ना, मैंने इसमें कॉस्टिंग और ऐड कर दी है, मतलब मैंने पेमेंट की और एंट्री कर दी। जैसे मैंने कैश पेमेंट की एंट्री करी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का लेजर मैंने क्रिएट किया, इसको मैंने अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इसको लिया एंड जब इसमें मेरे से पूछा गया कॉस्ट ट्रैकिंग टू, तो यहाँ पे कॉस्ट ट्रैकिंग मैंने ले लिया, अगर मुझे इसको कॉस्ट ट्रैकिंग में लेना है, लेकिन मैंने कॉस्ट ट्रैकिंग इसमें पिक नहीं करी थी। रीजन, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को वहां पर ले चुकी हूँ, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इसको मैं ले चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसमें कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर नहीं पिक किए। ओके, एंड यहाँ पे स्प्रे प्रिंटिंग है इसको मुझे करना है, तो यहाँ पर मैंने इसके लिए कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर पिक किया था। ओके, तो जो मेरे को अपनी आइटम की ट्रैकिंग में
शो करवाना होगा एज अ कॉस्टिंग, उसके लिए मैं यहाँ पे कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर पिक कर लूंगी। अदर जो कॉस्ट है जो अफेक्ट नहीं करेगी इन्वेंट्री को, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अलाउ कॉस्ट एलोकेशन यहाँ पे यस ओके, बट मैंने इसमें कॉस्ट ट्रैकिंग को पिक नहीं की है, एंड उसके बाद आप इसको कर देंगे एक्सेप्ट। ये मैंने जो भी एडिशनल कॉस्ट हुई है वो मैंने ले ली है। उसके बाद सेल्स हम करते हैं, फिर सिंपल है, मेरे पास प्रोडक्ट आ चुका था, मैंने उसको मैन्युफैक्चर कर लिया था, मेरे को स्टॉक समय में शो कर रहा था, तो मैंने वो 100 जो क्वांटिटी में गणेश मूर्ति थी वो मैंने सेल कर दी, एंड 2000 रुपीज रेट के हिसाब से करी है। और आप इसको एक्सेप्ट करेंगे जब, तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर तो पिक करना पड़ेगा हमें, कॉस्ट ट्रैकिंग नंबर मैंने पिक किया आप सेल करते टाइम, एंड उसके बाद इसको कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये सारी ट्रांजेक्शन की है, मतलब मैंने यहाँ पे कॉस्ट ट्रैकिंग करी है सेल ऑर्डर के साथ। आप कॉस्ट ट्रैकिंग को परचेज ऑर्डर के साथ भी कर सकते हो, आप तो इसको जॉब ऑर्डर के साथ भी कर सकते हो, मतलब जॉब कॉस्टिंग के साथ भी कर सकते हो। कॉस्ट ट्रैकिंग तो आप किसी भी पर्टिकुलर आइटम के लिए कर सकते हो ओके। अब ये सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद हम लोग रिपोर्ट्स कैसे चेक करेंगे, हम आएंगे डिस्प्ले में, एंड यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के अंदर। मेरे पास यहाँ पे आता है आइटम कॉस्ट एनालिसिस, यहाँ पे जब मैं एंटर करूंगी तो आप कॉस्ट ट्रैक ब्रेकअप इसके ऊपर एंटर करेंगे। मैं ना जो कॉस्ट ट्रैकिंग का नेम था वो 100 गणेश मूर्ति था, इसके ऊपर एंटर करेंगे, एंड डिटेल के लिए आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं Alt F1। यहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ट्रैकिंग डिटेल्स आपकी क्या है, कितने का आपके पास ऑर्डर आया था, फिर उस पर कितनी कॉस्टिंग आपकी आई है, क्या क्या चार्जेस लग गए हैं। ये देखिए यहाँ पे जो भी हमारे स्प्रे वाले थे वो सब देखिए इसमें एड ऑन हो चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी मेरा एड ऑन है, लेबर चार्जेस एड ऑन है, ये देखिए गणेश मूर्ति जो मैंने ली थी ये मेरे पास शो कर रहा है, ये देखिए, एंड यहाँ पे कंजम्पशन कॉस्ट मेरी यहाँ पे शो कर रही है, रिवेन्यू सेल्स का आपको यहाँ पे शो कर रहा है ये देखिए, एंड यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट शो कर रहा है कि आपको पर आइटम जो है टोटल 100 जो गणेश मूर्ति आपने सेल करी है उस पर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है ओके। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक आइटम पे अगर आप आएंगे तो स्पेसिफिक आप गणेश मूर्ति की आइटम ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा कॉस्टिंग शो करेगा, यहाँ पे रिवेन्यू शो करेगा, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका बचा होगा कॉस्टिंग के लिए बैलेंस बचा होगा, क्योंकि मैंने तो क्या किया जो भी मैंने बनाया था जितना उतना मैंने पूरा ही सेल कर दिया था, तो यहाँ पे मेरे को कॉस्ट और रिवेन्यू में शो कर रहा है, बैलेंस शो नहीं कर रहा, अदरवाइज आपको बैलेंस भी शो करेगा कि कितनी क्वांटिटी आपके पास बची हुई है ओके। एंटर करके आप देखेंगे डिटेल के लिए ऑल्ट एफ वन करेंगे तो सेम डिटेल्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी, एंड यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपने टोटल कितना जो है ऑर्डर रिसीव किया था, कितना मटेरियल डिलीवर करा है, कितना बिल किया है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करेंगी ओके। ये देखिए ऐसे करके हम आइटम की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं जो कि काफी इजी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक आइटम भी अब मेरे को यहाँ पे दिख रही है, ये सारी के सारी रॉ आइटम थी जो मैंने ज्यादा ज्यादा परचेज कर रखी थी तो मेरे पास यहाँ पे शो कर रहा था, बाकी मैंने 100 ही मैन्युफैक्चर करी थी और 100 ही मेरी सेल हो गई थी ओके। तो ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप आइटम वाइज ट्रैकिंग करना चाहते हैं, और आइटम कॉस्ट ट्रैकिंग को आप किसी भी चीज के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे आप परचेज ऑर्डर के साथ यूज कीजिए, चाहे जॉब ऑर्डर के साथ, किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।